राजू सीधे पहाड़ से डरी नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से सीधे पहाड़ से ठंडी सी पे जाए ना ये फिसले मेरे हाथ से। तो भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अगले दिन की सुबह और ये मेरे को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। एक बार रुक जाओ यार, ये वीडियो नहीं बनाने देगी आज। तो भाई नहा धो के हो चुके रेडी, थोड़ी देर में अपन लोग निकलेंगे नैनीताल के लिए। यहाँ से कुछ 8 से 9 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। भाई जाने से पहले एक टाइम लैप्स देख लो, 3 2 1। ऐसे मौसम देखो, इधर पूरा का पूरा धूप और पूरा जैसे क्लियर स्काई हो गया है, लेकिन सामने मतलब जो बादल है मतलब हमसे बहुत ही ज्यादा नीचे है भाई। तो जी निकल चुके हैं, नैनीताल जा रहे हैं। यहाँ से कुछ तकरीबन 9 किलोमीटर के आसपास है नैनीताल। यहाँ से मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, दिखाऊंगा ही नहीं मैं। देखो वो चल रही है, सबसे आलसी महिला हमारे पूरे सारे मित्रों में से सबसे आलसी लड़की अभी देख, अभी फिसलेगी है, अभी फिसलेगी। सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से, दिल से लेखा गीत ही लिखा मैंने हाथ से। सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से, ठंडी सी फिजाएं ना ये फिसले मेरे हाथ से। सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से, डरी नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से। सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से। और राजू वो हीरो लग रहा है भाई, रायन तू तो हीरो लग रहा है भाई, तू किसी पिक्चर का हीरो लग रहा है भाई। ये लड़के को देखा होगा तुमने, मतलब काफी सारे टीवी शो सीरीज में आता रहता है ये लड़का। चुप करो। तो ना भाई ये लड़की ना ये ब्रेड बांट रही है और इसने इतनी सारी मछलियां इकट्ठी कर ली है। और ये कौन सा पैकेट है तुम्हारा अभी तक? ये मेरा फोर्थ पैकेट है। और भाई मछलियां से पागलों की तरह हो रखी है, सारी इधर ही है, सारी इधर ही है। अच्छा गोल्डन वाली का नाम बताओ, गोल्डन वाली का नाम क्या? गोल्डन नाम है उसका, ऑरेंज है वो, नीमो। अभी ने अभी काम करो जी, दीदी ने ट्रिप दो वहाँ फेंको, यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं। इधर नहीं उधर फेंकती, रुक जा मैं ही ना चली जाऊँ नीचे। देख 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 सब जा रही है। हाँ भाई मोनी, अरे तेरे को सुनने में रूम नहीं मिल रहा? मिल गया। तो भाई पहुंच गए हैं वापस अपने घर पे। और भाई ये है ओयो पाइन व्यू रिजॉर्ट, यहाँ पे अगर कोई ठहरना चाहता है तो ठहर सकता है, बाकी हमारा तो अपना घर है तो खैर टेंशन ही नहीं है इस चीज़ की। तो खैर भाई क्या हो रहा है, लाल लाल एकदम लाइट, गाड़ी की लाइट आ रही है पीछे से। कैसे यार बहुत स्लीपर है भाई, बैठ बैठ के उठ गई। उन्होंने ही लगा दिया पैर। गलत जहाँ पे घर है वो तो शेरों का इलाका, सही में देखा एक शेर जब मैं झाका, खिड़की से मैं जल्दी से फिर चेक कर देखो भागा, अच्छी तरीके से मेरा बंद तो है दरवाजा। तो भाई साहब आज है day 5। वैसे मैंने काफी कम लोग गया इधर क्योंकि मैं वेकेशन पे आया हुआ था और ज्यादा हम गए नहीं कहीं पे, घर पे बैठे थे रिलैक्स विलैक्स कर रहे थे हम लोग। तो आज हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली, रायन गाड़ी से जा रहा है, मोनू को हम छोड़ देंगे धमोला, ये और अजीत और रायन जा रहे हैं दिल्ली तक, साथ ही जाएंगे हम लोग भी। थोड़ा आगे पीछे हो गए तो रुक जाएंगे वरना जाम मिलेगा तो चले जाएंगे, जैसे भी होगा अच्छा होगा। बस यही प्रे करता हूँ। बाकी हमने तो भाई बाइक ने मतलब एक बार भी नहीं चलाई इधर आके, खड़ी थी तब से, मतलब यहाँ पे आने के बाद बाइक एकदम खड़ी है, उसके बाद हम कहीं गए भी नहीं। ऑल्दो फ्यूल भी हमने अभी तक दिल्ली से ही भरवाया था, उसके बाद भरवाएंगे नीचे जाके। और भाई मौसम देखो यार, एकदम पूरा फोक फोक क्लाउडी क्लाउडी हो चुका है। और बाकी किसी को यहाँ पे रहना है आसपास में इस लोकेशन पे तो ये है पाइन व्यू रिजॉर्ट, तो यहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि हमारा तो अपना घर है तो हमें टेंशन नहीं है उस चीज़ की। लेकिन कम ऑन मस्त मौसम हो रखा है भाई, इस वेदर को बहुत ही ज्यादा मिस करने वाला हूँ मैं। कसौली गए थे ना, मतलब वहाँ पे भी इतना अच्छा वेदर था बट उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा वेदर है। और वहाँ पे तो हम एक ही दिन के लिए रुके थे, यहाँ तो हम ऑलमोस्ट 5-6 दिन के लिए रुक गए हैं।
प्लान था हमारा दो दिन का, लेकिन एक्सटेंड करना पड़ा। वेदर भी मतलब बीच में तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा। एक्चुअली एक दिन का हमने एक्सटेंड किया है, वरना हम कल सुबह दिल्ली होते, लेकिन हम आज जा रहे हैं। तो ठीक है यार, मज़ा आ रहा है। बाकी भाई सच बता रहा हूँ, मतलब इतना चला के ना इस बाइक को, एक चीज़ का पता लग गया कि ये बाइक बहुत ही सही ईजी टू हैंडल है और बहुत ही स्मूथ चल रही है भाई, पहाड़ों वाड़ों में जैसे भी चलाओ। और भाई राइडिंग पोस्चर और इसकी स्टोक सीट भी इतनी सही है ना, मतलब मज़ेदार एकदम, और मस्त है भाई। सही है, जैसा भी है बहुत ही सही है, क्रेजी एकदम। बाकी जिसको यहाँ पर रुकना है, जिसमें बता रहा था कि पाइन व्यू रिजोर्ट करके एक रिजोर्ट है, वहाँ रुकना है, तो उस जगह का नाम है बजून। तो ये है बजून, इससे आधे एक किलोमीटर पे आपको राइट साइड में आपको एक बोर्ड दिख जाएगा पाइन व्यू रिजोर्ट का। क्या हुआ, खतरनाक। अभी भी मतलब ठंड ठंड लग रही है। जब आपको पता ही है, जब मैं आ रहा था तो भाई बारिश आ रही थी, उसके बाद हमारी जो राइडिंग जैकेट है वो भीग गई थी, क्योंकि हमने रेन सूट पहनने में थोड़ी सी देरी कर दी थी। तो उसके तो, और यहाँ पे एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि धूप आई हो जिस दिन। तो भाई साहब हमारी जो राइडिंग जैकेट है अभी भी थोड़ी सी गीली है, तो उसकी वजह से जो ठंडी हवाएं है ना ऐसे अंदर चीरते हुए जा रही है। और भाई लंगूर ओए, लेकिन मज़ा आ रहा है। नीचे तो गर्मी होगी, बस 20 किलोमीटर का सफ़र है ये पहाड़ों का, इसके बाद तो मतलब वही दिल्ली की गर्मी और मतलब हाईवे की चुभती हुई धूप से निकलना हमें है। तो ठीक है यार, मज़े ले रहा हूँ मैं तो, और रायन अपनी गाड़ी में कहीं तो पीछे रह गया, और मैं अपना 40-30 की स्पीड से क्रूज कर रहा हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ कितने वो आ जाएगा। और मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब नैनीताल मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा आता हूँ, बिकॉज यहाँ पे घर है तो टेंशन नहीं होती है, सब दोस्त वगैरह होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, पार्टी वार्टी करते हैं यार, मतलब समझ जाओ कैसी पार्टी। और ठंड में तो मतलब पार्टी करने का अलग ही मज़ा है, समझ रहे हो ना आप। और भाई बहुत सारे लोग ना हल्द्वानी से आते हैं, तो भाई इनको लिए उनके लिए यही मतलब वो है कि कालाडूंगी साइड से आओ तो आपको जो रोड्स हैं बहुत ही ज़्यादा साफ मिलेंगे, एकदम साफ हैं, देख रहे हो आप जैसे मेरे, थोड़ा सा पानी है वो भी बारिश की वजह से है, तो उसका हम कुछ कर सकते नहीं है, बट रोड्स वैसे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और भाई खुले हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है इस वाले रोड पर। ट्रक और बसेस तो मतलब बहुत ही कम दिखेगी आपको, मतलब एक दो दिख जाए तो बात अलग है, वरना तो ये रूट सबसे ज़्यादा बेस्ट है अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो। बाकी तो आपकी मर्जी है, मतलब फिर तो बाकी हम तो क्या ही मतलब बोल सकते हैं। और अब जाएंगे यार, नीचे जाएंगे मतलब दिल्ली पहुँचेंगे। होए होए यार, तो ये वेदर ना जीने नहीं दे रहा। हाँ तो दिल्ली जाएंगे, उसके बाद निंजा को हमें ठीक कराना है, तो वो भी एक खर्चा है जिसे हम कर लेंगे किसी ना किसी तरह मैनेज। इसीलिए मैं जिक्सर पे आया था, लोग मतलब पूछेंगे मुझे पता है कि भाई जिक्सर पे क्यों आए, निंजा कहाँ पे गई, बेइज्जती क्या, एक्सीडेंट हो गया क्या। नहीं भाई, पुरानी वीडियो जाके देखो पता लगेगा, 18,000 रुपये का खर्चा है उस बाइक पे, क्योंकि चूहे ने हमारी जो बाइक की वायरिंग होती है वो पूरी काट दी थी भाई साहब। और ऐसे क्या ही बताएं, मतलब घर बैठे बैठे इतना बड़ा फटका लगा हमें, कोई नहीं करा लेंगे यार। ओहो हो यार, एक इतना मज़ा आ रहा है यार चलाने में बाइक। आई विश कि हमारे पास हमारी मतलब निंजा होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, ऑल दो बहुत ही इसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन इस बाइक का मैं थोड़ा सा यूज़ टू कम हूँ, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे है, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही कम्फर्टेबली राइड कर रहा हूँ मैं इस बाइक को। मतलब इस बाइक के बेस्ट पार्ट बताऊँ, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, जिसके वो हैंडल करने में ना मतलब अलग ही मज़ा आ रहा है। मैगी पॉइंट ओहो ब्यूटीफुल। तो जो यहाँ पे जो आने का सबसे बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस से है वो है मॉनसून के बाद, क्योंकि भाई मॉनसून के बाद क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना एकदम अपनी हाईएस्ट पीक पे होते हैं ग्रीनरी में, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है
पूरे के पूरे रोड्स। हाँ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और ठंड भी बढ़ती है, लेकिन एकदम परफेक्ट वेदर होता है। और भाई साहब मैं बता रहा हूँ, चारों तरफ है क्लाउड्स ही क्लाउड्स होते हैं। अभी तो हम नीचे जा रहे हैं तो क्लाउड्स हमें कम दिखेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ क्लाउड्स एकदम अपनी हाईएस्ट पीक पे होते हैं। बस थोड़ा सा रॉक फॉलिंग का डर रहता है, पत्थर वत्थर गिरते हैं, लेकिन स्टिल भाई मज़ा इसी वेदर का है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो अक्टूबर में तो भाई फटाफट से आ जाओ, एकदम प्लेजेंट मौसम होगा और एकदम परफेक्ट जिसे कहते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब ये वाटर क्रॉसिंग मिल रही है नैनीताल में, हम लद्दाख गए थे बताओ। सच में ट्रैक ही लगता है ये तो, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व एकदम ट्रैक बेस्ड है। ओ पत्थर गिरे हुए हैं इधर, थोड़ा सा पानी भी है रोड पे। ओहो बहुत ही सारी घास मिल रही है तुम्हें, हाँ मजे ले रहे हो। तो भाई सच बताऊं तो मतलब अभी ऐसा हो गया है कि जो वेदर है थोड़ा सा गर्म होना अभी से स्टार्ट हो गया है। तो नीचे तो मतलब अच्छा गर्म ही मिलेगा ऑलमोस्ट। और भाई एक्चुअली है क्या कि मैं अभी कैमरा बंद नहीं कर रहा, बिकॉज यार ये जो सीनरी है ना ये आपको नीचे नहीं मिलेगी, और स्ट्रेट हाईवे देखने में ना मतलब बंदा बोर हो जाता है ऑब्वियस। तो यहाँ का तो व्यू मतलब अलग ही है, और होप करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। मौसम देख के और बाइक वाइक का पूरा से एंगल मुझे पता नहीं आ रहा होगा, सही नहीं आ रहा होगा, बट आई विश कि आ रहा होगा। और जब मैं फर्स्ट बार नैनीताल आया था ना तो मेरा एक फ्रेंड है अर्जुन, तो उसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, ये जो नाला बना हुआ एकदम से एक मोड़ पे है, तो जिसकी वजह से उसे दिखा नहीं और बाइक में ये भी था नहीं। तो भाई बाइक स्किट हो गई थी, चोट वोट नहीं लगी थी उसे बिल्कुल भी। बस टेंशन ये एक ही चीज़ की टेंशन है कि गाजियाबाद के पास ना हमें ट्रैफिक मिलेगा अच्छा, बस वो उससे निकल रहे हैं तो फिर वो तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई मेजर रोड्स हैं जो भी हापुर के साइड के रोड्स हैं, पहले वहाँ पे हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम। I'm the guy from the hills, they be talking about my skills, cooking verses of my feelings, all your music.